हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनु मैम संस्कृत पढ़ाती हूँ आपको। आज आपको ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस संस्कृत देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग एक पंचम पाठ लिंग ज्ञानम जेंडर, लिंग के ज्ञान के बारे में बताएंगे कि लिंग किसे कहते हैं, जेंडर क्या होता है। तो इसके बारे में जानते हैं बच्चों। लिंग, लिंग क्या होता है बच्चों? जिन शब्दों के द्वारा हमें इस बात का ज्ञान होता है कि ये पुल्लिंग है, पुरुष है या स्त्री है, या कि न पुरुष है न स्त्री है, नपुंसक लिंग का बोध कराता है, वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। जब हम किसी को देखकर बच्चों हमें ये पता लगता है, अरे ये तो अंकल है तो ये क्या है? ये पुल्लिंग है। ये आंटी है, ये दीदी है, ये मम्मी है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और जिसमें हमें जिस चीज़ का ये पता लगता है न ये पुरुष हैं न ये स्त्री हैं, ये क्या है? नपुंसक लिंग का हमें बोध कराते हैं। तो ये हमें लिंग का हमें इससे ज्ञान होता है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिंग भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग, जिससे कि हमें स्त्री जाति का बोध होता है। नपुंसक लिंग, जो न पुरुष होते हैं न स्त्री, वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। उनसे हमें नपुंसक लिंग का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले हम किसका जानेंगे? पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे नृपः, राजा। राजा क्या है? पुल्लिंग है। शशकः, खरगोश। खरगोश क्या है? पुल्लिंग है। चिकित्सक, चिकित्सक कौन है? डॉक्टर है, पुल्लिंग है। हंस, हंस क्या है? पुल्लिंग है। कृषक, किसान। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे श्री, श्री क्या है? लक्ष्मी। तो हमें किसका बोध हो रहा है, किसका ज्ञान हो रहा है कि लक्ष्मी कौन है? स्त्री है, तो ये स्त्रीलिंग है। धेनु, धेनु क्या है? गाय। गाय दूध देती है, गाय दूध देता है नहीं कहते ना, गाय दूध देती है। और दूध कौन देती है? स्त्री। गाय स्त्रीलिंग में आती है। चटका, चिड़िया। चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग में है। मयूरी, मोरनी। मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग। मयूर है नहीं है, मयूरी है, तो ये क्या है? मोरनी है। अध्यापिका, यानी कि जो फीमेल टीचर है वो क्या है? अध्यापिका है, स्त्रीलिंग है। ललना, ललना कौन है? स्त्री, वो तो खुद ही स्त्री है इसलिए स्त्रीलिंग है। सिंघी, सिंघी क्या है? सिंघा नहीं है, सिंघी यानी कि शेरनी। मारजारी, मारजारी यानी कि बिल्ली। मार जा रहा है, बिलाव होता है, और बिल्ली मारजारी। पिपीली का, चींटी। चींटी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना स्त्रीलिंग के बारे में। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनसे कि हमें न स्त्री जाति का बोध होता है न पुल्लिंग का बोध होता है, और जो किसी अन्य स्थान या अथवा किसी अन्य वस्तु का बोध होता है जो न स्त्री है न पुरुष, तो वो क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे कि क्या है? कंदुकम। कंदुकम क्या है बच्चों? गेंद। गेंद जो है हमें नपुंसक लिंग का बोध कराती है। सेबम, सेब, ये भी हमें कोई जाति नहीं है लेकिन हमें नपुंसक लिंग का बोध कराता है। जलयानम यानी कि पानी में चलने वाला जहाज, जहाज ये क्या है? नपुंसक लिंग है। पुस्तकम, पुस्तक, इसका कोई लिंग नहीं है लेकिन ये पुस्तक नपुंसक लिंग में है। प्रियादनम यानी कि काजू, काजू ये भी नपुंसक लिंग है। आद्रकम यानी कि अदरक, नपुंसक लिंग। मोदकम, लड्डू, नपुंसक लिंग। छत्रम, छाता, नपुंसक लिंग। फलम, फल, नपुंसक लिंग में आता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के कुछ शब्दों के बारे में। अब इस पाठ में आए हुए हम कुछ अभ्यास करते हैं बच्चों। तो जिस अभ्यास में हम सबसे पहले नंबर पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? अभी मैंने आपको बताए तीन लिंग होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न, जलयानम इति शब्द से लिंग लिखो। जलयानम यानी कि पानी का जहाज, इसका क्या लिंग है? इसका लिंग है नपुंसक लिंग।
ठीक है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, चित्रों को देखकर उनका सही उत्तर चुनना है। ये चित्र आप देख रहे हो, क्या बना हुआ है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, पुष्पम, पत्रम या फलम, क्या दिख रहा है? राइट, फलम। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, ये वृषभ है, मूषक है या कृषक है, क्या है? ये है वृषभ, बिल्कुल सही बताया। ये है ललना या मार्जारी या लता, क्या है? ये है मार्जारी, बिल्ली। तो इस प्रकार हमने जाना बच्चों लिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखो। जैसे नृप, राजा, राजा का क्या लिंग है भाई? अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, बताया था ना, राजा है पुल्लिंग, है ना, राजा पुल्लिंग है। श्री यानी कि लक्ष्मी क्या है? स्त्रीलिंग है। काजू जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना, यहां पर लिखे हुए शब्दों को हमने शुद्ध किया। अब हमारा ये कुछ रचनात्मक कार्य है, इसको आपको मैं होमवर्क में दूंगी। आप जान लीजिए कि लिंग के अनुसार तीन तीन चित्र जो है वो हमें बनाने हैं। यहाँ पर पुल जैसे यहाँ नृप बना देंगे, राजा बना देंगे, या राजा का चित्र बना देंगे, नृप बना देंगे, या कि कृषक बना देंगे, किसान बना देंगे, है ना, या कि लड़का बना देंगे कोई, है ना, तो उसका चित्र बनाएंगे आप। ऐसे स्त्रीलिंग में आप श्री बना देंगे, लक्ष्मी बना देंगे, या ललना बना देंगे आप, या कि बालिका बना देंगे आप, उसका चित्र बनाएंगे और उनमें कलर भी कर देंगे, रंग भी भर देंगे। नपुंसक लिंग में आप बना देंगे यहाँ पर छाता बना देंगे, या क्या बना देंगे यहाँ पर, सेब बना देंगे, या यहाँ कुछ भी बना देंगे, काजू बना देंगे। आपकी इच्छा पर है कि आप क्या बनाएंगे यहाँ पर, और चित्र बनाकर और उनमें आप रंग भर देंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपने लिंग के बारे में जाना कि लिंग किसे कहते हैं, हमें जिससे पुरुष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग जाति का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से लिंग होते हैं, कौन सा शब्द कौन से लिंग में आता है, ये सब आपने जाना, आपको समझ आएगा कि जेंडर यानी कि लिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।